If the angles of a triangle ABC are in the ratio 1 is to 1 is to 2 respectively, the largest angle being angle C, then the value of sec A upon cosec B minus tan A upon cot B is. तो इसकी वैल्यू बतानी है, तो हमें पता है कि रेशियो दिया हुआ है, तो हम लोग ऐसे मान सकते हैं कि एक्स ले लेते हैं, वन इंटू एक्स एक्स आ जाएगा, प्लस जो सेकंड हो जाएगा वो भी एक्स हो जाएगा, प्लस थर्ड कितना हो जाएगा टू एक्स। ये ट्राइंगल के तीनों एंगल्स हो गए, इन सभी का सम, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, तो 180 के इक्वल कर लेंगे। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 2x, और ये 1 ओवर 1 2 4x हो जाएंगे, इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 को डिवाइड कर देंगे कितने से, 4 से, तो x की वैल्यू आ गई अपने पास 45। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका कि sec cosec ये हमें दे रखे हैं, तो जो ट्राइंगल होगा वो राइट एंगल ट्राइंगल जरूर होगा, क्योंकि उसी के अंदर तो sec cosec आते हैं। तो और जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट एंगल है वो कौन सा है, एंगल सी। और राइट एंगल ट्राइंगल में लार्जेस्ट कितना होता है, 90 डिग्री। ये अपने पास ए और बी रह गए। अब ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं, तो ये दोनों कितने कितने के हो जाएंगे, 45 45। इस तरीके से डायरेक्ट भी हम लोग वैल्यू पता कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपने पास आ चुकी है वैल्यू। अब sec A की बात करें, तो sec A की वैल्यू यहाँ पर 45 डिग्री है, एंगल ए और बी ये दोनों इक्वल हैं, एंगल सी 90 डिग्री हो गया, तो 45 डिग्री की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। cosec ये भी अपना 45 है बी, और tan A तो ये अपना 45, tan 45 और cot 45 डिग्री, तो इनकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो sec 45, यदि आपको cos 45 की पता है तो sec की भी पता लगी जाएगी। तो sec 45 की वैल्यू कितनी होती है, रूट टू। कोस की कितनी थी, 1/√2, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। अब इन दोनों की वैल्यू तो इक्वल ही होती है, जैसे साइन 45 और कोस 45 की इक्वल होती है। टेन 45 की वैल्यू 1 थी और कोट 45 की भी सेम 1 थी, तो रूट टू को रूट टू से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस ये अपने पास 1 है ही, इक्वल टू यहाँ पर आंसर आ जाएगा 0। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए, तो 0 इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।